मीटर भी। हाँ मीटर बहुत खूबसूरत था। ये कौन सी जगह है? ये है जी हम बोलने वाले नके पे। अच्छा बाजार आएगा फिर उसके बाद जरूरी। अगर ये बर्फ़ किसी ने सबमिट करनी है रावला कोट से तो सबसे शॉर्ट रास्ता यही है राइट। मजीद ऊपर जा रहे हैं। अच्छा सरोवर की हिल कहाँ पर है? ये कौन सी जगह? लसगंगा? नहीं ये कौन सा लसगंगा है? कौन सी जगह?
सिंगोला कहाँ रह गया? सिंगोला रह गया पीछे। मौसम ठीक हो गया माशाल्लाह, लेकिन फिर वापस खराब होना शुरू, मौसम फिर खराब होना शुरू हो गया। और अगर हो जाती है बारिश तो हम यहाँ ठीक, यहाँ अक्सर डारे बने होते हैं, लेकिन यह है कि देखेंगे कहीं अगर डारा नहीं हुआ तो किसी के यहाँ स्टे कर लेंगे जब तक बारिश हुई। यह है कि हम लोग लेट हैं। जा रहे हैं कंटिन्यू वीडियो। अच्छा, ये हम जा रहे हैं समिट करने के लिए। ये टॉप जो है वो पीक चोटी है, इस जगह का नाम है सरों की हिल, और इसके हम समिट इसको करने जा रहे हैं। और रास्ता काफ़ी दुश्वार है, मुश्किल है, लेकिन ये है कि कुछ कुछ जगहें बेहतर भी हैं, इस तरह का रास्ता है। अगर आपके पास 4x4 जीप है तो बहुत अच्छा है, बाकी हम लोगों ने बाइक पर आए हैं, चूँकि ये बाइक है, हैवी बाइक है, तो हम लोग इस पे आए हैं। यहीं से जाना है ऊपर से, इस पे हम लोगों ने ट्राई की है, बट रोड बहुत ख़राब है, तो बाइक पे अगर कोई आना चाहे तो ना आए, मेरा मशवरा यही है। हम लोग रावलाकोट बाज़ार से ऊपर आए हैं, तो तकरीबन ये कोई 35 से 40 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल ऊपर चढ़ाई है सीधी। तो अगर आप रावलाकोट से आते हैं तो ये वहाँ से सिंगल ओवरी रोड से ये रास्ता सीधा ऊपर आ रहा है, रोड का कोई हाल नहीं है, लेकिन यह है कि आबादी यहाँ है, आबादी एंड टॉप पीक तक है यहाँ पर। ये देखें ये बर्फ है, ये रात को पड़ी है सारी, ये राइट एंड पे बर्फ दिखाओ, राइट पे जगह बहुत प्यारी है, लेकिन ठंड बहुत है, सर्दी बहुत है। तो आपने अपनी केयर भी करनी है, और यहाँ पर अगर आप आएँ तो ग्लव्स प्रॉपर, बाइक पे आते हैं तो प्रॉपर चीज़ों के साथ आना है। यहाँ के रिहायशी लोग जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, वो आदी हैं, लेकिन मौसम आज हमें बेहतर मिल गया, नीचे बारिश थी और ऊपर मौसम साफ हो गया। जब हम लोग निकले हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही, बट जब हम लोग ऊपर आए हैं तो माशाल्लाह मौसम बेहतर हो।
धूप निकल आई है, आगे का पता नहीं आगे क्या मौसम होगा। अच्छा, हमने यहाँ से रास्ता किसी से पूछा है कि ये सरों की हद की तरफ, नहीं नहीं हम जुबानी कर रहे हैं, बता रहा हूँ, हमने किसी से रास्ता पूछा है वीडियो ਤੇ ਕਲਚ ਉਹ ਕੀ ਬਟਨ ਦਾ ਕਲਚ ਦਬੀ ਸੀ ਹੈ ਯੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾ ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਚੜਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ झूला हाँ वीडियो बनाना चढ़ाई है और बहुत बुरी चढ़ाई है।
मुझे डर ये है कि हम लोग अल्लाह ना करे कि कहीं पंचर हो गए तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई यहाँ सोल्यूशन नहीं है। तो रास्ता काफ़ी दूर है, हम काफ़ी आगे आ गए हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा एहतियात करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो बाइक को बचा के हम लोग चलें, ताकि हम लोग खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँच गए। ये है जी लुक एट माय डियर, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ वाओ, ये देखें जी क्या बात है, ये हम लोग टॉप पीक पे आ गए हैं, ये सबसे कच्चे कह रहे हैं तो साथ में ये सीजीआई शीट्स की ये चादरें लगी हुई हैं, ये तो उसके हैं, ये बरहाल ये डारे जो डारे टाइप बने होते हैं ये इसलिए होते हैं। ये सामने बंदा का बाजार है, ये बीच में नज़र आ रहा है, और ये सामने दराड़े हैं, हमारी खाला का घर है वो सामने उस एरिया में। अच्छा जी जी, ये सामने दमनी है, ये नीचे, ये सामने दमनी है, खाला के घर में बर्फ है अभी। वो अमेजिंग Amazing, 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 amazing. Natural beauty. यस ये मामू जी आ रहे हैं, मैं और मामू जी आए यहाँ तक इस बाइक पे, तो यहाँ पे ये जो जंगल हैं इस तरह के फॉरेस्ट में हमारी जो वो पीसेंट्स जंगली मुर्गियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, तो इस तरह के हमारे जंगल में चीते भी पाए जाते हैं और रात को चलने का खतरा होता है। रास्ता काफ़ी है, उधर उधर ना खाली जाम है।